हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डॉकर क्या होता है, डॉकर का यूज क्यों करते हैं, डॉकर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, डॉकर कंटेनर क्या होता है, डॉकर इमेज क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, ठीक है। डॉकर के कुछ कमांड्स रन करेंगे, तो ये आज के एजेंडा है इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले कि डॉकर होता क्या है, तो डॉकर देखो यार, बेसिकली डॉकर होता क्या है ये जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें डॉकर की जरूरत क्यों पड़ी थी, ठीक है। तो सबसे पहले कि यार, आपको जैसे पता है कि हम आप सबने कभी ना कभी अपने लाइफ में फेस किया होगा, अगर आप एक्सपीरियंस्ड डेवलपर है तो, ठीक है। उसमें क्या होता था कि जैसे हम लोग अपना कुछ प्रोजेक्ट जैसे हम लोग बिल्ड करते थे और अपने डेप पे टेस्ट करके जैसे क्यूए को भेजते थे, तो क्यूए के पास वो प्रोजेक्ट सही से चलता नहीं था, और ये प्रोजेक्ट सही से नहीं चलने के कई कारण हो सकते थे। जैसे कोई कॉन्फ़िगरेशन मिस हो सकती थी, कुछ इन्वायरमेंटल इशू हो सकता था, तो या कोई डिपेंडेंसी मिस हो सकती थी, ये सारी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से कि हमारा कोड तो हमारे डेप पे सही चलता था, बट क्यूए के पास जब हम भेजते थे तो वहाँ पे सही नहीं चलता था, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती थी, डिपेंडेंसी रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती थी, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती थी, उन्हीं सभी को दूर करने के लिए ही डॉकर लाया गया था, ताकि जो डेवलपर के इन्वायरमेंट पे जो भी डिपेंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, सारी की सारी चीज़ें हमें क्यूएटी पे भी अवेलेबल हो और फिर डेव पे भी वहीं सारी की सारी अवेलेबल हो, ताकि जो डेव पे चल रहा था जैसे वैसे क्यूए पे भी चले और प्रोडक्शन पे भी चले विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। इसलिए ही डॉकर को इम्प्लीमेंट किया गया था, डॉकर को लाया गया था, डॉकर बेसिकली इसलिए बनाया ही गया था, ठीक है। तो अभी जैसे अगर आप कोई भी नया चीज़ सीखो तो ना उसके लोगों से ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो अगर आप ये डॉकर का देखोगे लोगो, तो इसमें आपको एक दिख रहा है एक मछली जैसी है, राइट। और मछली के ऊपर छोटे छोटे बॉक्स डब्बे रखे हुए हैं, कंटेनर इनको बोल सकते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर जो पानी वाला जहाज होता है जहाँ पे हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं जब हम, राइट, इसी तरह कंटेनर्स रखे होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स, राइट। और वो जहाज एक जगह से, जैसे भारत से हम लोग को कुछ भेजना है, सपोज करो कि आप इजराइल के पास भेजना है, ठीक है, तो भारत के यहाँ मुंबई से निकलती होगी और वो समुद्र के रास्ते इजराइल तक पहुँचती होगी, तो उस सारे शिप पे क्या इसी तरह के कंटेनर भरे रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये शिपिंग का काम कर रहा है। तो यानी इसमें ये जो लोगो इनने बनाया, तो इन्होंने उसी को रिजेंबल करा है कि ये एक मछली है जो हमारे शिप कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। तो डॉकर भी एग्जैक्टली यही काम करता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट में है, जो डेव इन्वायरमेंट में है, उसको बाकी इन्वायरमेंट में भी वो हमारा पहुँचाता है, ठीक है, सेम चीज, राइट। कि जैसे अगर डेप पे सपोज करो कि आप उबंटू पे कुछ डेवलप कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आप सपोज करो MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हो, ठीक है, और साथ में सपोज करो आप जावा 8 या जावा 17 यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी आपकी डिपेंडेंसीज है, तो इनसे रिलेटेड जो जो कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी आप अपने उबंटू के सिस्टम पे कर लिए डेप पे। अब क्या हो रहा है कि सपोज आप डेप के बाद क्यूए पे भेज रहे हो या फिर प्रॉड पे भेज रहे हो, तो क्यूए पे जब आप भेजोगे तो सपोज करो क्यूए जो है वो विंडोज सिस्टम चला रहा होता है, ठीक है, तो विंडोज सिस्टम पे चलाएगा तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन की अलग ही प्रॉब्लम आएगी, कॉन्फ़िगरेशन उसका अलग होगा, राइट। प्रॉड पे सपोज करो मैक ओएस यूज हो रहा है ना, बेसिकली प्रॉड पे तो लिनक्स सर्वर ही यूज होते हैं, बट ऐसे हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि मैक ओएस यूज कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, वहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग होगा इन सब चीज़ों का। तो ये सारी झंझट से बचना है तो अपने को डॉकर यूज करना है। डॉकर में आपने एक बार इमेज बनाई और उस इमेज को आपने क्यूए को भेजा और वहाँ पे प्रॉड पे भेजा सेम इमेज, और उस इमेज को रन करके एक कंटेनर बना, और कंटेनर में आपको हर एक चीज़ मिलेगा। जैसे सपोज आप जावा 17 यूज कर रहे थे, MySQL डेटाबेस यूज कर रहे थे, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों चीज़ आपको उस पे अवेलेबल हो जाएगा। इससे कोई मैटर ही नहीं करता है कि वो विंडोज यूज कर रहा है या फिर मैक ओएस यूज कर रहा है या फिर उबंटू यूज कर रहा है या CentOS यूज कर रहा है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डॉकर ने हमारे ये सारा काम आसान कर दिया है। तो ये तो मैंने आपको समझाया, अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कोड
मतलब इसका जो थ्योरी पार्ट है वो एक बार देख लेते हैं कि डॉकर होता क्या है। लेट्स सी, तो डॉकर इज एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग शिपिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो डॉकर ओपन प्लेटफॉर्म है डेवलप करने के लिए, शिप करने के लिए और एप्लीकेशन को रन करने के लिए। डॉकर इज ए सेट ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, है ना। तो ये जैसे हमारे पास IaaS होता है, PaaS होता है, SaaS होता है ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो डॉकर एक तरह से प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। प्रोडक्ट दैट यूज US लेवल वर्चुअलाइजेशन टू डिलीवर सॉफ्टवेयर इन पैकेजेस कॉल्ड कंटेनर्स। ठीक है, तो जो हमारा डॉकर क्या करता है कि डॉकर जो हमारा पैकेज होता है, सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशन होता है, उनको कंटेनर के फॉर्म में डिलीवर करता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि कंटेनर क्या होता है, इमेज क्या होता है। और इसमें एक चीज नोटिस करना होगा, ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहा है। तो जैसे डॉकर बेसिकली एक तरह से वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअल मशीन एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन डिफरेंस होते हैं वर्चुअल मशीन और इसमें। वर्चुअल मशीन बेसिकली काम करता है आपके हार्डवेयर लेवल पे, हार्डवेयर लेवल पे वर्चुअलाइजेशन करता है, लेकिन डॉकर के केस में ओएस लेवल पे वर्चुअलाइजेशन होती है। ठीक है, तो अगर आप VM जब भी इंस्टॉल करते होगे, सपोज आपको वर्चुअल मशीन यूज करना है, तो आप यूज करते होगे जैसे VMware बहुत फेमस है ना, तो VMware जब भी इंस्टॉल करते हैं उसको हाइपरवाइजर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि आपका जो भी हार्डवेयर प्रेजेंट है, सपोज आपके यहाँ 8 GB रैम है आपके लैपटॉप पे और सपोज 500 GB हार्ड डिस्क है, तो जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, सपोज जैसे मैं Ubuntu यूज करता हूँ और मुझे विंडोज बनाना है, तो वो क्या करेगा, जो VMware है मेरे रैम में से, सपोज 8 GB रैम है, तो उसमें से 4 GB रैम वो विंडोज के लिए अलॉट कर देगा। और फिर मान लो हार्डवेयर में से ही क्या करेगा, जैसे मान लो 500 GB था तो आपने बोला 200 GB का हार्ड डिस्क ले लो, तो वो 4 GB रैम और 200 GB का एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देगा विंडोज, जिसपे मैं अपना विंडोज के कमांड या विंडोज पे जो भी मुझे करना होगा वो सब कर सकता हूँ। लेकिन डॉकर क्या करता है, डॉकर हार्डवेयर लेवल पे नहीं करता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे वर्चुअलाइजेशन करता है, इसीलिए लाइटवेट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द सॉफ्टवेयर दैट होस्ट द कंटेनर इज कॉल्ड डॉकर इंजन। एक चीज और भी ध्यान देना होता है, डॉकर बहुत फेमस टर्म है, लेकिन जब भी हम लोग डॉकर बोल रहे होते हैं तो डॉकर इंजन की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, डॉकर इंजन या डॉकर डीमन इसको बोलते हैं। तो जब भी हम लोग डॉकर बात कर रहे होते हैं तो डॉकर इंजन की बात कर रहे होते हैं। बेसिकली डॉकर एक कंपनी है। ठीक है, डॉकर एक कंपनी है। अगर आप इसमें इसी लाइन में आगे पढ़ेंगे, इट वॉज फर्स्ट रिलीज इन 2013 एंड इज डेवलप्ड बाई डॉकर INC। ये कंपनी का नाम डॉकर है, लेकिन जो जो भी हमारा काम होता है, ठीक है, डॉकर इंजन पे होता है, डॉकर इंजन, लेकिन हम लोग इसको डॉकर ही बोलते हैं, डॉकर इंजन या डॉकर डेमन यूज नहीं करते। ठीक है, डॉकर इज ए टूल दैट इज यूज टू ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन इन लाइट वेट कंटेनर सो दैट एप्लीकेशन कैन वर्क इफिशियंटली इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स इन आइसोलेशन। डिफरेंट इन्वायरमेंट इन आइसोलेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि आपका कंटेनर चल रहा है, कोई डे पे चल रहा है, कोई उस पे चल रहा है, QAT पे चल रहा है, कोई प्रोडक्शन पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डॉकर कैन पैकेज एन एप्लीकेशन इट्स डिपेंडेंसी इन ए वर्चुअल कंटेनर दैट कैन रन ऑन एनी लिनक्स विंडोज और मैकओएस कंप्यूटर। मैंने जैसे बताया कि आप इसको कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कौन सी मशीन है। ठीक है, आपके पास बस एक डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पे, जैसे लिनक्स और विंडोज या मैकओएस, वहाँ पे डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, बाकी आपने जो इमेज बनाई है उससे कंटेनर बन जाएगा, उससे इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो। ठीक है, दिस इनेबल्स द एप्लीकेशन टू रन इन वैरायटी ऑफ लोकेशन। तो आप इसको ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे चला सकते हो, पब्लिक सर्वर पे चला सकते हो क्लाउड वाले, या फिर प्राइवेट क्लाउड पे भी आप चला सकते हो। अब ये भी देख लो कि डॉकर जो है वो उसको गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसको लिखा किसने है, सोलोमन हाइक्स ने। बेसिकली तीन लोगों का एक ग्रुप था, उनने ये बनाया था 2013 के करीब में, 2011-12 में इनने शायद शुरू करा था, 2013 तक इसको रिकॉग्निशन मिली थी। ठीक है, तो सोलोमन हाइक्स ने इसको लिखा है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि डॉकर क्या है, राइट। डॉकर अब देखते हैं कि डॉकर का यूज क्या है, जैसे मैंने समझाया था, बट अब इसको एक बार थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं कि क्या है, व्हाई डॉकर इज नीडेड। तो सबसे पहले है कि कंसिस्टेंसी अक्रॉस एनवायरनमेंट। जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको प्रॉब्लम नहीं है कि डेव पे चला रहे हो, QAT पे चला रहे हो, या फिर प्रोडक्शन पे चला रहे हो, आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, डिपेंडेंसी से रिलेटेड आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं यहाँ पे लिखा है, डॉकर इंश्योर दैट एप्लीकेशन रन कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट एनवायरनमेंट्स बाय पैकेजिंग देम अलोंग विद देयर डिपेंडेंसीज। ठीक है ना,
जैसे मैंने एक एग्जांपल देकर समझाया था कि ना कि अगर आपके पास MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हो और फिर सपोज करो आप जावा 17 यूज कर रहे हो, तो उससे इसको कोई मतलब नहीं है कि आपके सिस्टम पे जावा 18 इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं इंस्टॉल्ड है, जावा 17 इंस्टॉल्ड है नहीं इंस्टॉल्ड है, MySQL इंस्टॉल्ड है नहीं इंस्टॉल्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको डॉकर का इमेज रन करना है, उससे कंटेनर बनेगा और उस कंटेनर के पास MySQL और जावा 17 दोनों होंगे, ठीक है। दिस इलिमिनेट्स इट वर्क्स ऑन माई मशीन प्रॉब्लम। इट वर्क्स ऑन माई मशीन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सबने कभी ना कभी फेस किया होगा। इससे से जुड़ा एक फनी इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। मेरी पहली कंपनी थी, हम लोग लगे थे, मतलब पहली पहली ही जॉब थी सबकी, तो मेरा एक कलीग था वो भी फ्रेशर ही था मेरी तरह, तो हम लोगों ने उसको कुछ काम मिला था, उसने उसे डेवलप कर दिया था, डेव पे टेस्ट भी कर लिया था, इवन क्यूए पे भी वो चीज सही चल रही थी, लेकिन जब वो क्लाइंट पे गया तो वहां पे वो सही से चल नहीं रहा था, ठीक है। तो मैनेजर ने पूछा कि यार तुमने टेस्ट नहीं करा था, बोला कि यार मैंने डेव पे भी टेस्ट करा था, क्यूए ने भी टेस्ट करके पास करा था, तभी तो मैंने डिलीवर करा था। तो बोला कि यार क्लाइंट के पास चल तो नहीं रहा है, तो इसने बोला कि सर मेरे मशीन पे देखो, मेरे मशीन पे चल तो रहा है। तो मेरा मैनेजर बोलता है कि एक काम कर, तू अपना सीपीयू अपने गले में लटका और क्लाइंट के पास जा और उसे चला के दिखा कि ये चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मतलब सबने कभी ना कभी फेस करी हुई इस तरह की, ठीक है, जिसके सिस्टम पे चलता है और वहां पे नहीं चलता, इसी को एलिमिनेट करता है अपना डॉकर। देन आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स अलगाव, अलग है ना। तो डॉकर कंटेनर्स प्रोवाइड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स फॉर एप्लीकेशन, प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन और सर्विसेज रनिंग ऑन द सेम होस्ट। तो अगर आपका डॉकर कंटेनर आपके मशीन पे चल रहा है, मेरे सिस्टम पे अगर ये चल रहा है कंटेनर, तो अगर एक से ज्यादा भी कंटेनर चल रहे हैं तो दोनों कंटेनर आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेंगे, मीन्स एक दूसरे को से कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं आएगी उनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी बेसिकली ये है कि जैसे आप अपने डेवलपर के लैपटॉप पे उस कंटेनर को चलाओ या फिर टेस्ट इन्वायरमेंट पे चलाओ या प्रोडक्शन सर्वर पे चलाओ, आप इजिली इसको कहीं पे भी चला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इफिशियंसी। डॉकर कंटेनर्स आर लाइटवेट कंपेयर टू ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन बिकॉज दे शेयर द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ये मैंने बताया ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर लेवल पे ये आपका वर्चुअलाइजेशन करता है, इसीलिए लाइटवेट भी होता है, ठीक है ना। दिस लीड्स टू मोर इफिशियंट यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। देन है रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड स्केलिंग। तो बोल रहे डॉकर इनेबल्स रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, कंटेनर्स कैन बी स्टार्टेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड स्केलिंग अप और डाउन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अभी जब हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे ना इस मतलब ये थ्योरी पार्ट के बाद में, तो हम ये देखना आप कि कंटेनर कितना जल्दी अप हो जाता है, मतलब अगर साइज कम है इमेज की तो वो मुश्किल से मतलब माइक्रो सेकेंड्स के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, अगर बहुत बड़ा साइज है तो मे बी वो एक दो सेकंड ले ऐसे करके, बट एक दो सेकंड के अंदर आपका कंटेनर रेडी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रैपिड है, रैपिड डिप्लॉयमेंट इससे हो जाता है, ठीक है ना। देन स्केलिंग, स्केलिंग आप ये जैसे जानती हो कि दो तरह की स्केलिंग होती है, आपका एक वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की स्केलिंग करानी है। तो जैसे मान के चलो कि आपको आपका एक कंटेनर रन हो रहा है, ठीक है, तो आप चाहते हो नहीं यार मतलब मुझे लोड ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सेम ही इमेज को दो तीन बार कर दोगे, डिप्लॉय कर दोगे, तीन कंटेनर बना लोगे, ठीक है ना, तो उससे आपका लोड बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो डॉकर इंटीग्रेट्स वेल विद CI/CD पाइपलाइंस अलाउइंग फॉर ऑटोमेटेड बिल्डिंग टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशंस, दिस इंप्रूव्स द स्पीड एंड रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवरी। ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट को कैसे सपोर्ट करते हैं। सपोज करो कि आपने एक इमेज दिया क्यूए को, ठीक है, क्यूए ने उसमें कुछ बग फाइंड करा, राइट, तो उसमें क्या करोगे, आपने कुछ चेंजेस करा, ठीक है, चेंजेस करके आपने क्या करा, बस एक इमेज बिल्ड करी और इमेज बिल्ड करके क्यूए को दिया, क्यूए उसको डिप्लॉय करेगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका कंटेनर अप हो जाएगा। देन आप क्या करोगे, वो क्यूए फटाफट से टेस्ट करेगा कि ओके जो मैंने बग दिया था वो अपना हुआ कि नहीं, अगर क्यूए को लगता है हाँ मैंने जो बग रेज करा था वो सब कुछ सही चल रहा है, क्यूए क्या करेगा, सेम इमेज को प्रोडक्शन पे सर्वर पे डाल देगा, डिप्लॉय करा देगा। तो देखो तुरंत डेवलपमेंट से टेस्टिंग और टेस्टिंग से सीधे प्रोडक्शन, तो CI/CD को भी आप इजिली अचीव कर सकते हो डॉकर के थ्रू।
देन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अभी आपको पता ही है कि जैसे यार सारी कंपनियां मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ मूव कर रही है, तो उस केस में भी अपना डॉकर काफी यूजफुल हो जाता है। कि मान लो कि 5-7 आपके माइक्रो सर्विसेज हैं, तो उन सबको आप डॉकर के थ्रू उनका अलग अलग कंटेनर मेंटेन कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन द लाइक रिक्वेस्ट, अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है तो आप उसका स्केल अप स्केल डाउन ये सारी चीजें भी कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है वर्जन कंट्रोल एंड रोल बैक। डॉकर के साथ ये एक और अच्छी इसमें चीज है कि ये ना जब भी आप एक डॉकर इमेज बनाते हो या तो उसमें क्या होता है, उसका एक वर्जन देता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपने एक एक बार बिल्ड चलाई, डॉकर बिल्ड करके एक इमेज बनाई और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करके वापस से फिर से अपनी इमेज बनाई, तो इस बार जो प्रीवियस वर्जन था उससे नेक्स्ट दूसरा एक वर्जन बन के आएगा, मतलब हर बार ये एक वर्जन जनरेट करेगा, ठीक है। तो इससे इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आपने जो लेटेस्ट बिल्ड बनाई उसमें सपोज करो कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस वन था, मतलब जैसे जो आपने पहली बिल्ड बनाई थी और दूसरी बिल्ड बनाई, दूसरी बिल्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो जो पहला बिल्ड था उसमें आप क्या कर सकते हो कि रोल बैक कर सकते हो, मतलब आप उस वाली इमेज को डिप्लॉय कर सकते हो, तो आपका जो मतलब सिस्टम जो है वो क्या बोलते हैं, डाउन टाइम उसका नहीं जाएगा, आप उस पुराने वाले वर्जन पे डाल के उसको अप कर दो जब तक वो काम चल रहा है, जब तक आप अपना बग फिक्स करो ये वाला, और फिर से वापस जब ये हो जाए इमेज डाल के डिप्लॉय कर दो। तो ये सारी फंक्शनलिटी भी आपको मिलता है डॉकर से, ठीक है। अब देखते हैं कि इमेज, अभी तक आपने बहुत बार कंटेनर इमेज ये सारी चीजें सीखा सुना, अब हम ये बेसिकली जानेंगे कि इमेज होता ही क्या है, ठीक है ना। तो इमेज ये वो वाली इमेज नहीं है कि अच्छा इमेज बनाना है बुरा इमेज बनाना है, तो ये वो इमेज नहीं है, ठीक है। ये क्या है, रीड ओनली टेम्पलेट है विथ इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिएटिंग ए डॉकर कंटेनर। बेसिकली कुछ नहीं होता है कि एक रीड ओनली टेम्पलेट होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि कंटेनर कैसे बनाना है या जो कंटेनर बनेगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी। जैसे मैंने जो आपको बता रहा था ना कि जैसे माई सीक्वल चाहिए आपको, जावा 17 चाहिए आपको, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको लिखने होंगे कि माई सीक्वल कहाँ से लाना है आपको, जावा 17 कहाँ से लाना है, फिर जावा 17 का पाथ सेट करना है, मतलब आपको जो जो चीजें चाहिए उस कंटेनर के अंदर ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप लिख देते हो उस रीड ओनली टेम्पलेट को, उसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। बेसिकली इमेज बनाने के लिए हम लोग को एक डॉकर फाइल की जरूरत पड़ती है, तो डॉकर फाइल के अंदर ये सारी चीजें आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो और उस डॉकर फाइल को जब आप बिल्ड करते हो, ठीक है, तो अपना इमेज एक बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। देन इमेज के बारे में बोल रहा है, इमेज कंटेन्स ऑल नेसेसरी कंपोनेंट्स टू रन एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डिपेंडेंसीज कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट्स एंड बाइनरी, जो मैं अभी आपको बता रहा था वो सारी चीजें। देन बोल रहा है कि इमेज इंक्लूड्स मेटा डेटा सच एज एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड डिफॉल्ट कमांड्स, ठीक है ना। तो आप इसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल भी दे सकते हो इमेज के अंदर। अब इमेज के यूज की कहाँ कहाँ हो सकता है, तो प्रोवाइड्स एन आइसोलेटेड लाइव फाइल सिस्टम फॉर रनिंग कंटेनर इंश्योरिंग द एप्लीकेशन रन्स कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, ठीक है ना। आइसोलेटेड फाइल सिस्टम क्रिएट करता है मतलब कंटेनर के फॉर्म में जो अलग अलग एनवायरनमेंट पे एक एक जैसा ही चले, ठीक है, कोई चेंजेस ना दिखे उसमें। नेक्स्ट देखते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर। जो इमेज होती है ना उसकी आर्किटेक्चर लेयर्ड आर्किटेक्चर होती है। जब हम लोग एक बार कोई इमेज पुल करेंगे ना यार, जब हम लोग उसको रन करेंगे, तो आपको दिखाऊंगा कि लेयर्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, तो वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए हम लोग देख लेते हैं। बिल्ट यूजिंग अ डॉकर फाइल, जैसे मैंने बताया कि इमेज डॉकर फाइल से ही बनता है, वेयर ईच इंस्ट्रक्शन एड्स अ लेयर टू द इमेज। मतलब जैसे सपोज आपने पहला इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई तू माई सीक्वल डाउनलोड कर, या उसको अगर डाउनलोडेड ऑलरेडी तो उसको तू इंस्टॉल कर, तो ये एक लेयर बन गया। द सेकंड इंस्ट्रक्शन आपने ये लिखा कि ठीक है तू जेडीके 7 को इंस्टॉल कर, तो ये सेकंड लेयर हो गया। इस तरह से लेयर वाइज चलता है, ठीक है। ओनली मॉडिफाइड लेयर्स आर रिवील्ड। अच्छा, इमेज का एक और इसका बेनिफिट ये है कि अगर मान लो कि आपने 10 इंस्ट्रक्शंस लिखे यानी 10 लेयर ऐड करे, ठीक है, उसमें से आपने सपोज करो कि 8 या 9 लेयर अनटच रखे, उसमें कोई चेंज नहीं करे, कोई एक लेयर था जिसमें आपने चेंज करे, तो बाकी जो अगर एक बार इसने अगर बिल्ड बना चुका है अपना, ठीक है ना, तो उन सब लेयर में कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है, उन सबको जो अपना पुराना इमेज है उसी से उठाएगा उसको, और जो जो आपने मॉडिफाई किया है बस उसी को
वो डाउनलोड करता है, ठीक है ना, और उसी को बिल्ड करता है, तो ये इसका और बेनिफिट हो जाता है इमेज का। देन है कि बेस पर कंटेनर, आपको पता ही है कि ओके आपको तो अभी नहीं बताया मैंने, बट इमेज से ही कंटेनर बनता है, ठीक है। तो वहीं वो लिखा है कि सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर डॉकर कंटेनर्स, है ना, इमेज के बेसिस पे ही, इमेज को जब हम रन करते हैं तब हमारा कंटेनर बनता है। कंटेनर्स आर इंस्टेंशिएटेड फ्रॉम इमेजेस टू क्रिएट आइसोलेटेड रन टाइम एनवायरनमेंट्स, तो हमारे इमेज से ही कंटेनर क्रिएट होता है। ये सब अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही है, बट जब एक बार हैंड्स ऑन करोगे ना, अभी मैं कराऊंगा, तो फिर आपको ये चीजें आसान लगेंगी, ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। कस्टमाइजेशन, अब जैसे आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो इमेज का, ठीक है, दो तरीके से हो सकती है। या तो आप क्या करो कि कोई, मतलब जब भी आप डॉकर लिखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं से हम लोग ले लेते हैं, जैसे सपोज आपको उबंटू के बेस, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो आप वहां से फेच कर सकते हो, क्योंकि उबंटू का डॉकर हब पे प्रेजेंट रहता है। डॉकर हब बेसिकली एक तरह से इमेजेस का बाजार है, जहाँ पे हर एक चीज, मतलब सारे, बहुत सारी इमेजेस प्रेजेंट है, बस आपको जो चाहिए वो खरीद लो। उसी तरह से यहाँ पे डॉकर इमेज में कि बहुत सारे इमेजेस प्रेजेंट है, आपको जो भी इमेज यूज करना है उसका नाम लिखो और उसको यूज कर लो। तो वहीं लिखा है कैन बी यूज्ड ऑन अदर इमेजेस विद एडिशनल कस्टमाइजेशन, एग्जांपल एन इमेज बेस्ड ऑन उबंटू डेट इंस्टॉल अपाचे एंड अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। बेसिकली ये बोल रहा है कि उबंटू का एक इमेज आप ऑलरेडी ऐड कर रहे हो, और उस उबंटू के इमेज के अगेंस्ट में आप उसमें क्या करो कि अपाचे या फिर कोई पार्टिकुलर एप्लीकेशन, जैसे हमारी, हम अभी जो आप एग्जाम्पल ले रहे थे कि सपोज आपने उबंटू लिया और उस उबंटू के अंदर आप जेडीके 7 और ये MySQL इंस्टॉल करा रहे हैं, इसी को ये बोल रहा है। नेक्स्ट है कैन बी क्रिएटेड शेयर्ड एंड रीयूज्ड, ठीक है ना, इमेजेस आर ऑफन पब्लिश्ड इन रजिस्ट्रीज, जैसे मैं जो डॉकर हब बता रहा था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रजिस्ट्रीज दो तरह की होती है, प्राइवेट रजिस्ट्री होती है, जैसे कंपनी अपने डोमेन में अपने एक रजिस्ट्री बना लिया, ठीक है, और दूसरा जो पब्लिक रजिस्ट्री, जो जैसे डॉकर हब हो गया, ठीक है ना। तो आप इमेज को बना सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, रीयूज भी कर सकते हो, सही है। पोर्टेबिलिटी इंसोर्स डेटा, एप्लीकेशन कैन बी मूव्ड सीमलेसली अक्रॉस वेरियस एनवायरनमेंट सच एज डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन, वही जो मैं आगे ऊपर बता रहा था ना डॉकर के लिए, वही सेम चीज यही है कि आप इसको जैसे आपने जो इमेज आपने बनाया डेप पे, वहीं आप क्यूएटी को दोगे, क्यूएटी के बाद प्रोडक्शन पे दोगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्रोवाइड्स ए कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, रिड्यूसिंग इश्यू रिलेटेड टू डिफरिंग डिपेंडेंसीज और कॉन्फ़िगरेशन, जो ऊपर हम लोगों ने देखा था व्हाई वी नीड डॉकर, वही सेम चीज है। इफिशियंसी लाइटवेट कंपेयर टू ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन, इनेबलिंग फास्टर स्टार्ट टाइम एंड रिड्यूस रिसोर्स कंजप्शन, राइट। तो ये हो गया हमारा इमेज का। अब हम देखते हैं कि कंटेनर क्या है, क्योंकि डॉकर बेसिकली डॉकर के लोगों में ही कंटेनर ही है, तो सारा कहानी कंटेनर पे ही है, ठीक है। तो बोलता है कंटेनर इज ए रनेबल इंस्टेंस ऑफ एन इमेज, कुछ नहीं है कंटेनर का, कुछ नहीं है, बस कंटेनर को ऐसे सोचो कि जो हमारा इमेज है उसी का एक इंस्टांस है, ठीक है, बस। मैनेज्ड यूजिंग द डॉकर एपीआई और सीएलआई टू क्रिएट स्टार्ट स्टॉप मूव और डिलीट, जब हम लोग डॉकर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली क्या होता है। डॉकर जो होता है ना, क्लाइंट सर्वर पे बेस्ड है, मतलब क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा, तो डॉकर जो है क्लाइंट सर्वर पे बेस्ड है। तो वो यही बोल रहा है कि जो कंटेनर है उसको मैनेज कैसे करते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास है डॉकर एपीआई या डॉकर सीएलआई, जिससे हम लोग कंटेनर को क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फिर डिलीट कर सकते हैं। और कंटेनर का की फीचर्स क्या आ सकते हैं, वहीं आइसोलेशन कंटेनर्स आर वेल आइसोलेटेड फ्रॉम अदर कंटेनर्स एंड द होस्ट मशीन बाय डिफॉल्ट, इसको दूसरे कंटेनर से ये अलग रहता है, इसको उसे दूसरे कंटेनर में क्या चल रहा है इसको कोई मतलब नहीं है, होस्ट मशीन से इसको कोई मतलब नहीं है। आइसोलेशन लेवरेजेस कर्नल नेम स्पेसेज एंड सीजी ग्रुप्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कंटेनर रन होता है या डॉकर जहाँ पे भी होता है, तो वो जो आपका बेस में मतलब होस्ट मशीन है उसके कर्नल को यूज करता है, ठीक है ना। देन कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड बाय इट्स इमेज एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस प्रोवाइडेड एट क्रिएशन और स्टार्टअप, इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे जब आप इमेज फाइल बना रहे होते हो
जब आप इमेज बना रहे होते हो, डॉकर फाइल लिख रहे होते हो, तो उसी में जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन दोगे उस समय, या फिर जब आप कंटेनर को स्टार्ट कर रहे हो, उस क्रिएट कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो, उस समय आप कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि आपके कंटेनर में क्या क्या चाहिए, राइट। चेंजेस टू द कंटेनर स्टेट दैट आर नॉट स्टोर्ड इन परसिस्टेंट स्टोरेज डिसअपीयर व्हेन द कंटेनर इज रिमूव्ड। तो ये बोल रहा है कि कंटेनर जो है होता है वो उसके पास अपने स्टोरेज का कोई भी फैसिलिटी नहीं होता है, हालांकि डॉकर के पास वॉल्यूम होता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको भी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट या नेक्स्ट के वीडियो में जब भी। तो वॉल्यूम जब आप क्रिएट करते हो तो वहां पे आप परसिस्ट करा सकते हो डेटा को, ठीक है ना, बट जब तक आप कोई वॉल्यूम से उसको माउंट नहीं किए हुए हो, पाथ माउंट नहीं कर रखे हो, तो जो भी चीजें होंगी कंटेनर के अंदर, जो भी आपने नया ऐड किया होगा, जैसे ही कंटेनर डिस्ट्रॉय होगा तो सारी डेटा लॉस हो जाएगी, ठीक है। पोर्टेबिलिटी, कंटेनर्स कैन रन ऑन लोकल मशीन, वर्चुअल मशीन और बी डिप्लॉयड टू द क्लाउड, कैन बी रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे जो इमेज के लिए था वही सेम कहानी इसकी भी है, क्योंकि इमेज में भी जो चीज होगी वही तो कंटेनर में होगी, क्योंकि इमेज के से ही तो हमारा कंटेनर बनता है ना। देन कनेक्टिविटी एंड स्टोरेज, कंटेनर्स कैन बी कनेक्टेड टू वन और मोर नेटवर्क्स, ये नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। स्टोरेज कैन बी अटैच टू ए कंटेनर, हम लोग जैसे मैंने बताया ना वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम का यूज करके हम लोग डेटा परसिस्ट करा सकते हैं। न्यू इमेजेस कैन बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन द कंटेनर्स करेंट स्टेट, कंटेनर के करेंट स्टेट के बेसिस पे हम लोग अपने एक नया इमेज बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल डॉकर, डॉकर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो यार कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जाना है डॉकर और सीधे लिखना है इंस्टॉल डॉकर ऑन Ubuntu। सपोज आप Ubuntu के लिए देख रहे हो, या विंडोज देखना है तो विंडोज आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। ये इंस्टॉल डॉकर डॉक्स का एक दिख रहा है ना, इंस्टॉल डॉकर इंजिन ऑन Ubuntu, इसको खोलना है, ठीक है। इसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पे ये देखो ये इंस्टॉल यूजिंग द एपीटी रिपोजिटरी है, ये सारा कमांड लाइन बाय लाइन जैसे इसने लिख रखा है, ये सारा का सारा आपको चला देना है, ठीक है। चलाने के बाद ये वाला भी आपको चलाना है, सेकंड इंस्टॉल द डॉकर पैकेजेस, ये वाला कमांड एज इट इज चला देना है, ठीक है। और उसके बाद जब ये सब चल जाए तो आप अपने टर्मिनल पे जाके ये वाला sudo docker run hello world करोगे तो hello world प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब डॉकर आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसी में एक चीज और आती है, इसमें आप चाहो तो डॉकर डेस्कटॉप होता है, तो डॉकर डेस्कटॉप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप बेसिकली एक जीयूआई है, अगर आप सीएलआई यूज करते हो तो वो कमांड प्रॉम्प्ट से चलेगा, और जीयूआई यूज करना चाहते हो तो डॉकर डेस्कटॉप, ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो यहाँ पे है उसी को फॉलो करना है। कहाँ गया ये, जैसे सपोज आप Ubuntu के लिए करना चाहते हो, ठीक है, तो Ubuntu पे क्लिक करो, ठीक। अच्छा एक चीज और इसमें देख लो कि ये यहाँ पे ना लिख के रखता है कि 10 मिलियन USD लगेगा, कब, जब आपका कंपनी में 250 से ज्यादा इम्प्लॉइज है। बट हम लोग तो यार सिंगल यूज कर रहे हैं, हम लोग अपने लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, ओके। तो प्री रिक्विजिट है इसमें, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ये देख लो कि क्या है सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सब नीचे लिख के रखा होगा कि क्या क्या चाहिए, 4 GB RAM वगैरह चाहिए, तो ये सब मोस्ट ऑफ द थिंग्स अपने पास होती हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसकी उतना जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ गया, हाँ ये करना है आपको sudo apt get update और sudo apt get install, ठीक है। और ये यहाँ पर /docker-desktop-version और -arch जो होता है, इसमें बेसिकली जो भी डॉकर का वर्जन होगा वो मेंशन करना होता है, और यहाँ पे AMDB लिखना होता है जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना DB पैकेज से। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो बस ये आपको कमांड चलाना है एंड देन दैट्स ऑल आपका। और उसके बाद आप चाहो तो इसको ये वाला कमांड के थ्रू सिस्टम ctl --usr-docker-desktop ये चला सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे उसका लोगो बन जाता है, तो उस लोगो से भी आप ये ऐसे लोगो होगा, इस पर डबल क्लिक करके आप इसको चला सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हमने देख लिया कि डॉकर को इंस्टॉल कैसे करती है, ठीक है।
अब हम लोग कुछ कमांड भी देखते हैं ताकि हैंड्स ऑन हो जाए। अभी तो हमने बस केवल थ्योरी थ्योरी देखा, अब हम लोग देखते हैं डॉकर कमांड। सबसे पहले जैसे मैं सीएलआई से दिखाता हूँ, ठीक है। तो सीएलआई से सपोज करो कि एक बार मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे, और मैं देखता हूँ इसको जूम करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको मैं ताकि ये दिखे अपने को, है ना। सही है, अब ये दिखेगा। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि डॉकर इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं, है ना। तो क्या लिखोगे, डॉकर वर्जन, ठीक है। ये देखो तो मेरा डॉकर वर्जन ये है, 26.1.3 बिल्ड ये। अच्छा एक और कमांड होता है सर, डॉकर अगर वर्जन केवल लिखूं तो परमिशन डिनाइड बता रहा है। वैसे देखो यहाँ पे क्लाइंट दिखा रहा है मुझे डॉकर इंजन कम्युनिटी, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। क्लाइंट ही दिखा रहा है, नहीं तो सर्वर भी दिखता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉकर वर्जन हमने देख लिया, उसके बाद इसको क्लियर करो। नेक्स्ट हम लोग डॉकर हेल्प, सबसे अच्छा है कि कोई भी चीज है तो कोई भी नया चीज आप सीख रहे हो तो डॉकर हेल्प जरूर कर, मतलब उसका हेल्प कमांड यूज कर लिया करो। इससे क्या हो जाता है आपको पता चल जाता है, देखो इसमें हर एक चीज आपको दिखेगा बढ़िया से। डॉकर डेस्कटॉप स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। ये देखो ये सारा का सारा कमांड इसमें आ गया, और वो कमांड क्या करता है वो सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है। जैसे मैं कुछ पढ़ देता हूँ, कॉमन कमांड जो होता है जैसे रन, ये क्या करता है, क्रिएट एंड रन अ न्यू कंटेनर फ्रॉम एन इमेज। मतलब डॉकर रन जब भी करते हो तो वो क्या करता है, इमेज से एक कंटेनर बनाता है। एग्जेक क्या करता है, एग्जीक्यूट है कमांड इन रनिंग कंटेनर, ठीक है। मतलब ये कंटेनर के अंदर अगर अपने को जानना हो, एग्जीक्यूट कुछ करना हो कमांड, तो उसके लिए एग्जेक यूज करते हैं। पीएस क्या होता है, लिस्ट कंटेनर। ये पीएस जब भी आप करोगे तो कंटेनर को लिस्ट करके देगा। बिल्ड, इससे एक इमेज बिल्ड होगा, ठीक है, डॉकर फाइल से। देन पुल, अगर आपको कोई रजिस्ट्री से कोई इमेज पुल करना है तो उसके लिए आप पुल यूज करोगे। अगर आपको रजिस्ट्री पे अपना इमेज भेजना है तो उसके लिए पुश यूज करोगे। इमेजेज, ये आपको आपके सिस्टम पे कितने इमेजेज हैं वो सारा चीज बताएगा। लॉग इन लॉग आउट सर्च, आप यहाँ से इमेजेस सर्च कर सकते हो। वर्जन, ठीक है ना, इनको डॉकर इनको भी करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसी तरह आपका नेक्स्ट ये मैनेजमेंट कमांड है, जैसे बिल्डर, ये सब अभी अपने काम की नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये स्वार्म कमांड, ये सब भी अपने काम की नहीं है उतना। ये देखो जैसे अटैच है, उसके बाद कमिट है, सीपी है, क्रिएट है, डिफरेंस है, इवेंट्स, एक्सपोर्ट, हिस्ट्री, इम्पोर्ट, इंस्पेक्ट, ये सारी बहुत सारी कमांड है। ये देखो स्टार्ट, स्टार्ट वन और मोर स्टॉप कंटेनर, स्टैट्स, यहाँ से स्टैट निकाल सकते हो। स्टॉप, स्टॉप वन और मोर रनिंग कंटेनर। टैग, क्रिएट अ टैग, टारगेट इमेज डेट रेफर्स टू सोर्स इमेज, है ना, ये टैग। फिर टॉप, अनपॉज, अपडेट, वेट, ये सारी चीजें हैं, सही है। तो ये हम लोगों ने देख लिया डॉकर कमांड का सारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जैसे कुछ कमांड हम लोगों ने देखा था अभी, कि जैसे डॉकर इन्फो करके सबसे पहले देख लेते हैं डॉकर इन्फो से हमें क्या दिखता है। ये देखो डेमन इज नॉट यूजिंग ए डिफॉल्ट से कॉम्प प्रोफाइल एनीवे। ये देखो ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। क्लाइंट डॉकर इंजन, ठीक है। फिर उसका वर्जन बताया, कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, डिबग मोड फॉल्स है, प्लगइन, ये सारी चीजें हैं ना। डॉकर कंपोज का वर्जन बता रहा है, डिबग का, डेव का, एक्सटेंशन का, फीडबैक का, ये सारा चीज बता रहा है। डॉकर क्लाइंट, ये ऊपर देखा आपने ना, डॉकर क्लाइंट था यहाँ पे, ये देखो सर्वर। तो इससे ही क्लियर हो जाता है कि डॉकर जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। इसमें कंटेनर एक दिखा रहा है, रनिंग जीरो दिखा रहा है, पॉज जीरो दिखा रहा है, स्टॉप वन, यानी एक कंटेनर जो है अभी है इस सर्वर के पास, उसमें से कोई भी रनिंग नहीं है, ठीक है। इमेज भी एक ही है अभी, सर्वर वर्जन बता रहा है, ये सारी चीजें, मतलब पूरा डिटेल इसने दे दिया। ओके, तो डॉकर इन्फो से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। इसको भी क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जैसे एक चीज देखा था कि डॉकर इमेजेस से हम लोग को लिस्ट ऑफ इमेज पता चल जाता है। उससे पहले एक चीज और भी बता दूं कि डॉकर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, जैसे अगर मैं अपने यहाँ पे ही जाऊं,
स्लाइड्स वही चल रहा था। जैसे ये देखो, डॉकर हेल्प देख लेना, सर्विस डॉकर स्टेटस, ये क्या करता है, टू चेक द डॉकर स्टेटस। चलो ये भी करके हम लोग देख लेते हैं सर्विस। जब आपको देखना हो स्टेटस ना, कि डॉकर स्टेटस क्या है, अप है या क्लोज है क्या है, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं सर्विस डॉकर स्टेटस। ये स्टेटस बताएगा हमारा, ये देखो सही है, डॉकर सर्विस, डॉकर एप्लीकेशन कंटेनर इंजन, ठीक है, लोडेड, एक्टिव है अपना, रनिंग है ना। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको कंट्रोल सी करके ब्रेक कर दो। नेक्स्ट इसमें अगर स्टार्ट करना हो तो आपको क्या यूज करना है, सर्विस डॉकर स्टार्ट और सर्विस डॉकर स्टॉप। स्टॉप करने के लिए स्टॉप कमांड यूज करेंगे और स्टार्ट करने के लिए सर्विस डॉकर स्टार्ट। तो वैसे अपना स्टार्ट है, बट फिर भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, कुछ करेगा नहीं ये, सर्विस डॉकर स्टार्ट, ठीक है। ये पासवर्ड मांगेगा, आप सूडो यूज कर सकते हो। और तो इससे बेनिफिट ये होगा कि इस टर्मिनल पे एक बार अगर सूडो यूज कर लिए, पासवर्ड डाल लिए, तो हर बार आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। ये देखो सर्विस डॉकर स्टार्ट क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक्टिव था, ठीक है। उसी तरह आप स्टॉप कमांड भी यूज कर सकते हो। अब हम लोग जो मैंने बता रहा था कि डॉकर इमेजेस को कैसे कर देखते हैं, तो उसके लिए कमांड होता है ये, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, डॉकर इमेजेस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इमेज का लिस्ट देगा। हमारे पास अभी एक ही है, मैंने एक ये इमेज जो है पुल करके रखा है पोस्टग्रेस का, सही है ना, तो ये मुझे दिखा दिया। अगर अब नेक्स्ट कमांड जैसे डॉकर पीएस है ना, डॉकर पीएस, तो डॉकर पीएस से हम लोग को क्या पता चलेगा, जो रनिंग कंटेनर होंगे वो पता चलेगा कि कोई कंटेनर रनिंग है कि नहीं, डॉकर पीएस। तो क्योंकि कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है, तो यहाँ पे एक भी कुछ नहीं दिखा। लेकिन आपको देखना है कि जो हमारा कितने कंटेनर है, जो रनिंग है भी या फिर स्टॉप्ड है, वो सब सबके सब देखने हैं। तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे डॉकर पीएस हाइफन ए। पीएस का मतलब होता है पीएस का प्रोसेस स्टेटस, पीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस स्टेटस, ठीक है। तो हम करेंगे डॉकर पीएस हाइफन ए, सही है। तो ये देखो ये हमें क्या क्या दे रहा है, कंटेनर आईडी, ये हुआ आपका कंटेनर का आईडी, सही है। इमेज, तो ये हो गया इमेज का नाम, सही है। उसके बाद है कमांड, ये डॉकर डॉट एंट्री कोन डॉट एस एस, जो भी इसका कमांड होगा। फिर क्रिएटेड, दो मंथ पहले ये क्रिएट हुआ था। स्टेटस एग्जिटेड, यानी ये एग्जिट कर चुका है, कब, 23 घंटा पहले, ठीक है। कौन सा पोर्ट पे बाउंड था ये, 5432, सही है। उसके बाद ये नेम्स क्या है, मतलब अगर आप इसमें, हम जब थोड़ा और डिटेल जाएंगे अंदर तो बताएंगे, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ कि इस नेम्स में क्या होता है कि आप अपने इमेज का एक नाम दे सकते हो। तो जैसे मैंने इसका नाम सम पोस्ट बेस दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया, हमने ये देख लिया कि डॉकर पीएस हाइफन ए करने से हमने ये सारी चीजें देख ली। नेक्स्ट कमांड अपना क्या है, डॉकर रन हाइफन आई हाइफन टी उबंटू बिन स्लैश बैश। जब भी आप डॉकर रन करते हो, ठीक है ना, तो रन बेसिकली दो कमांड का कॉम्बिनेशन है। पहला पुल, क्योंकि उबंटु अपने पास अगर नहीं होगा तो ये पहले डॉकर आपसे पुल करेगा और फिर कंटेनर क्रिएट भी करेगा। और स्लैश बिन स्लैश बैश का मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी हमारा कंटेनर खुलेगा उसके, तो ये बिन स्लैश बैश वाले उस पर, मतलब जो भी हमारा क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल, वो वहाँ पे लेके जाएगा हम लोग को, ठीक है। और हाइफन आई हाइफन टी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इंटरएक्टिव और हाइफन टी का मतलब होता है टर्मिनल। तो ये इंटरएक्टिव मोड में खोलेगा टर्मिनल के अंदर। तो आइए एक बार इसको करके देखते हैं, इससे हमें बहुत सारी चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को करना है डॉकर रन हाइफन आई हाइफन टी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप हाइफन आई और टी एक साथ भी लिख सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उबंटु /bash, ओके, इसको करके देखते हैं। देखो ये बोल रहा है अनेबल टू फाइंड इमेज उबंटु लेटेस्ट लोकली, ठीक है, मतलब इसको लोकली नहीं मिला। तो क्या कर रहा है, लेटेस्ट ये इमेज का टैग होता है, ठीक है। लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी स्लैश उबंटु, ये पुल कर रहा है उबंटु को। ये देखो पुल कंप्लीटेड, डाइजेस्ट स्टेटस, डाउनलोड न्यूअर इमेजेस फॉर उबंटु लेटेस्ट।
अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, बीन्सलेस बैच के अंदर आ गए हैं, ठीक है। हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया। अब मैं जैसे इसको दिखाऊं, सपोज यहाँ पे एलएस करके देखते हैं। देखो हम लोग उबंटू के अंदर आ गए, ठीक है। इसके बीन डे होम ये सारी चीजें हमें दिख रही है, एमएनडी ये सब जो भी है, ठीक है। सीडी डॉट डॉट करके देखते हैं कहाँ ले जाता है। नहीं कहीं नहीं ले जा रहा, इसी के पास ले जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह से हम लोग कंटेनर के अंदर आ गए। इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है, एग्जिट, ठीक है। तो हम अब कंटेनर से बाहर आ गए। अब अगर आप ये करके देखो, डॉकर इमेजेस करो, क्योंकि उबंटू भी हमने फेच करा था, अब दो दिखने चाहिए हमें। ये देखो है ना, एक पोस्ट में दिख गया, एक उबंटू दिख रहा है, सही है। इसके साइज भी दिख रहा है हमें, 76.2 MB और 419 MB का है। अगर आप ये करोगे, डॉकर पीएस करोगे, तो अभी हमने क्योंकि एग्जिट कर दिया, कंटेनर से बाहर आ गए थे, तो हमारे पास एक भी नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, डॉकर पीएस -a, तो अब हमें दो कंटेनर दिखने चाहिए। ये देखो है ना, एक उबंटू का दिख रहा है, एक पोस्टग्रे का दिख रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा और डिटेल से देखेंगे कि मतलब डॉकर आर्किटेक्चर क्या होता है, कंटेनर के अंदर कंटेनर जैसे क्रिएट कर रहा है, कंटेनर के अंदर कुछ काम करके देखेंगे, ठीक है। कंटेनर के स्टार्ट स्टॉप डिलीट ये सारी चीजें करके देखेंगे, सही है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।